हेलो दोस्तों, आप लोगों का नौकरी पोर्टल पे स्वागत है। सो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि नेवी जो कि न्यू रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, ये पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर चार्जमैन का ये निकाला गया नोटिफिकेशन 1/2023 का है। और इसका जो ऑनलाइन होगा, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो लेवल है देख सकते हैं, यहाँ पर लेवल जो है 6 है, लेवल 6 दिया गया। नॉन गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी है, 35,400 से 1,12,400 इसका पे लेवल है बेसिक पे। इसमें जो सीट दिया गया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटर का जो है टोटल 42 है, और इलेक्ट्रिशियन फिटर का जो है 11 है, रेडियो फिटर का, रडार फिटर का, सोनार फिटर का। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटर का जो है डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड। उसको इलेक्ट्रॉनिक फिटर से डिग्री ऑफ इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम को भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन जिस पोस्ट के लिए है उसके लिए ये डिप्लोमा आप लोग के साथ पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पेंटर है, वेल्डर है, सिविल वर्क्स है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल जो है 372 पोस्ट है यहाँ पे, कुल जो है 372 है। उसके बाद जो 163 जो है यहाँ पे दिया गया है PWD के लिए, और कमांड वाइज वैकेंसी जो उस कैटेगरी का होता है उसका जो यहाँ पे दिया गया ENNC, ANC और SNC और WNC। सो इसका टोटल पोस्ट जो है 163 है। और इसमें जो एज लिमिटेशन दिया गया यहाँ पे देखिए, एज लिमिटेशन जो है यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स दिया गया। ST/SC के लिए 5 ईयर्स छूट दिया गया, OBC के लिए 3 ईयर्स दिया गया, PW BDS के लिए, UR के लिए 10 ईयर, OBC के लिए 13 ईयर्स, ST/SC के लिए 15 ईयर्स छूट दिया गया, ECM के लिए 3 ईयर्स छूट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैं पहले ही बता दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग का फॉर्म जो ऑनलाइन होगा वो 15 मई 2023 से चालू हो जाएगा और 29 मई 2023 तक इसका लास्ट डेट है। और इसका जो अप्लाई होगा यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, इस पर जाके www.joinindiannavygovernment.gov.in पे जाके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट जो दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल होगा, नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन, ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फ़ी जो है 278 रुपये रखा गया है। यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन मोड में इसको पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी जो यहाँ पे दिया गया है, जिस एग्जामिनर का वहाँ का नज़दीक स्टेट होगा वहाँ पे आप लोग डालिए, क्योंकि उसमें आप लोग को फ़ायदा होगा जाने में, क्योंकि ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ एडमिट कार्ड जो है इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। उसके मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसके उसका जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका एग्ज़ाम जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है जनरल इंटेलिजेंस, नॉमिनिकल रेप्यूटेड जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सिलेबस स्पेसिफिक द पोस्ट वाइज, आपका जिस पोस्ट के लिए डालिएगा उस टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सिलेबस दिया गया है, और यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देता हूँ, यहाँ पे जो पोस्ट आप लोग डालिएगा इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट मीन्स आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट आप लोग डाल सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आप लोग पोस्ट नहीं डाल सकते हैं। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल पे जो भी है मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।